नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एमआई के दो प्रोडक्ट, एमआई राउटर 4A GB एडिशन और दूसरा हो गया हमारा MI 360 होम सिक्योरिटी कैमरा 2K Pro, जो कि गाइस दोनों को अपग्रेड किया गया है क्योंकि राउटर पहले ही पे आ चुका था। और बात करें कैमरे की वो भी, लेकिन प्राइस सेगमेंट इस बार दुगना रखा है पिछले कंपैरिजन में। बात करें सबसे पहले राउटर की, तो आपको क्या राउटर मिलता है? तो जो राउटर का नाम है एमआई राउटर 4A GB एंड इसकी जो अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग स्पीड आपको लमसम मिल जाती है, मतलब गीगाबाइट पोर्ट पे 1.167 MBPS की स्पीड से आप डाउनलोड कर पाते हैं और 3 GB पोर्ट दी गई है। और गाइस यहाँ पे ना 1.167 MBPS नहीं होगा, GBPS होगा, यहाँ पे गलत लिख रखी है इंफॉर्मेशन जो है। और 3 पोर्ट मिल जाती है आपको, नेटवर्किंग डुअल बैंड मिल जाते हैं। एंड गाइस जो इसका प्राइस सेगमेंट है 2299 रुपये, तो गाइस मतलब मैं इसका क्या करूँ, इसे क्या फेंक दूँ फिर? मतलब यहाँ पे मुझे फ्री कॉस्ट और यहाँ पे मुझे कोई पैसा नहीं देना पड़ता है इसका, और बिल्कुल फ्री पड़ता है ये। तो कैसे मुझे फ्री पड़ता है, तो यहाँ पे वीडियो आ रही है दोस्तों, जरूर देखिएगा, बहुत काम की वीडियो है। और ऐसे मतलब MI के या मतलब किसी भी कंपनी के ब्रांड के कभी मत खरीदिएगा राउटर, क्योंकि तो इसमें आपको दुनिया भर की चीज मिलती है। एज कंपेरिजन बात करूँ तो किसी भी राउटर के, या वो TP-Link का हो, MI का हो, D-Link का हो, तो गाइज यहाँ तो पैसा वेस्ट ही है। और 2100 रुपए का राउटर खरीदना कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको ONU डिवाइस यूज करना पड़ेगा। फाइबर यूज कर रहे हैं तो ब्रॉडबैंड घर में, तो ONU डिवाइस लेके आना पड़ेगा। तो मतलब 700-800 रुपए का डिवाइस मैं वहां से ले रहा हूँ, तो क्या वो स्पीड देगा? क्या मुझे वो 1 GBPS की स्पीड देगा? तो यहाँ पे पूरा मतलब जियो लाखों करोड़ों रुपए लगा के इन्वेस्ट करके वो वहां तक आपके घर तक मतलब जियो फाइबर का राउटर लेके आ रहा है, तो वहां पे हम MI के 2200 रुपए या 2300 रुपए का राउटर यूज करते हैं। तो गाइस वो तो कोई थिंग यूज होती नहीं है। अब आते हैं MI 360 होम सिक्योरिटी कैमरा 2K Pro ब्रिंग। तो गाइज इसका जो रेजोल्यूशन दिया गया है कैमरे का, गाइज बहुत ही ज्यादा मतलब मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है। 1296 P पिक्सल तक रेजोल्यूशन मिल जाता है, जिसमें आप 2-way कॉलिंग कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे आप बोल भी सकते हैं, और मतलब आप एप्लीकेशन से बोलते हैं तो वहां पे कैमरा बोलने लगता है, साउंड जाती है उधर से, उधर से कोई बोलता है तो इसमें इनबिल्ट कैमरे होते हैं, माइक होते हैं, तो वहां से साउंड आ भी जाती है मोबाइल में। और गाइस इसमें क्या नए फीचर मिल जाते हैं, जो MI वाले में इसमें डुअल बैंड मिल जाते हैं, मतलब 5 GHz से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं या 2.4 GHz से भी कनेक्ट कर सकते हैं। और गाइस इसका जो प्राइस सेगमेंट है आपको 4499 मतलब 4500 रुपये का पड़ता है। तो गाइस मतलब प्राइस सेगमेंट इतना हैवी क्यों किया है? यहाँ पे आपको 1800 या 1900 रुपए का पड़ जाता है। और टाटा की कोई एप्लीकेशन है जो कि अभी रिसेंटली आई है मार्केट में, वहां से आप खरीदते हैं तो 1300-1400 रुपए का पड़ जाता है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? स्मिथ वाले में बहुत ज्यादा बेस्ट है, आप क्यों हाई प्राइस पे जा रहे हैं? और मतलब बात करूं इसमें भी सेम फीचर मिल जाते हैं, बस यह है कि 5 GHz पे कनेक्ट नहीं होता, लेकिन 360 मोमेंट इसमें भी आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। बेस्ट क्वालिटी क्वालिटी बात करूं तो इनबिल्ड है, वाटरप्रूफ तो नहीं है, लेकिन ये पानी में भीग चुका है, तब तो मैंने अपने फार्म में लगाया तो पूरी तरीके से भीग गया था। 360 मूवमेंट करता है, मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं आपको, मतलब आप प्रीमियम पे करते हैं तो आप क्लाउडिंग पे डेटा स्टोर भी करके रख सकते हैं, मतलब सारे फीचर मिलते हैं। कोई बोलता है तो वहां, जैसे कि मैं एप्लीकेशन के द्वारा बोलता हूँ तो साउंड जाती है, वहां पर कोई मतलब दूर है तो वहां से बोलता है कोई, तो इस पे साउंड वापस आ भी जाती है एप्लीकेशन पे। अब बात करें, कभी प्रॉब्लम ये होती है हमें कि मैं ब्रॉडबैंड नहीं लगा सकता या मैं कहीं डेटा नहीं लेके जा सकता, तो गाइस नॉर्मल एयरटेल के हॉटस्पॉट पे कनेक्ट हो जाता है ये, जो कि गाइस मैं पिछले 2.5 या 3 महीने से मैं इसे यूज कर रहा हूँ अपने फार्म पे, जो कि मस्त रिव्यू दिया। तो आज मैंने फिलहाल देखा तो कैमरा लेके आया फाइनली, और आपको दिखाया कि ये कंपैरिजन, मतलब आप 1200-1300 रुपये खर्च करते हो तो वो ज्यादा बेस्ट है इस कंपैरिजन टू MI 360 होम सिक्योरिटी कैमरे के मुकाबले। तो गाइज दोनों चीजों का कंपैरिजन बताया, तो गाइज यहाँ पे मतलब वैसे तो MI के प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, प्राइस सेगमेंट भी सही होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों चीजें बेकार है और प्राइस सेगमेंट दोनों का खराब है। तो गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।